बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ जन्नत और आप देख रहे हैं जन्नत ईट्स। सो आज मैं आपके साथ पोटैटो चीज़ बॉल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। सो यहाँ मैंने 4 to 5 पोटैटोज ले लिए। इनको अच्छी तरह से पील ऑफ करके, वॉश करके मैंने इनको बॉइल कर लिया है। अब हम इनको मैश करेंगे। वन टीस्पून साल्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, देन इसमें हम कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सर हमारा रेडी हो चुका है। मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मैश हो चुका है। अब हम यहाँ मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है, इसको हम छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेंगे। अब हम इसको क्यूब्स में काट लें। अब यहाँ पे मैंने 2 एग ले लिए। टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे। थ्री टेबलस्पून मिल्क ऐड करेंगे। थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। अच्छा, देन हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसको हम अच्छे से बीट कर लेंगे। यहां से मिक्सचर को लेंगे, ऐसे इसकी गोल टिक्की बना लेंगे। चीज रखेंगे, इसको अच्छे से गोल कर लेंगे, इसकी बॉल बना लेंगे। इस तरह से राउंड राउंड घुमाएंगे। इस तरह से हमने बॉल बना लेनी है। इसी तरह से हम सारी बॉल्स बना लेंगे। सो यहाँ मैंने कुछ बॉल्स बना ली हैं। अब हम एक बॉल को उठाएंगे, मिक्सचर में डिप करेंगे, देन इसकी कोटिंग करेंगे ब्रेड क्रम्स में। इसी तरह से हम सारे बॉल्स को उठाएंगे, 1 by 1 मिक्सचर में डिप करेंगे, देन ब्रेड क्रम्स। मीडियम फ्लेम पे हमने ऑयल को गर्म कर लिया। अब हम इसमें बॉल्स ऐड करेंगे। इसी तरह से हम सारे बॉल्स ऐड कर लेंगे। अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे। साइड हमने चेंज करते जाना है ताकि इनका कलर एक जैसा हो।
जो बॉल्स हमारे फ्राई हो चुके हैं उनको हम निकाल लेंगे इस तरह से। हाँ इसी तरह से हम बाकी के बॉल्स को भी फ्राई कर लेंगे। साथ साथ इनकी साइज चेंज करते जा रहे हैं, एक जैसा कलर आना चाहिए। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आया। सो फाइनली हमारे पोटैटो चीज बॉल्स रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, एक बॉल खोल के आपको चेक करवाती। सो गाइज वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।